नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ विजिट क्लासेस। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एमसीक्यू टेस्ट जो 2020 का हुआ था, इसके विथ आंसर्स हम देखते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसी कौन सी चीज़ है? हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ऑफकोर्स वही होगा क्योंकि इकोनॉमी का ग्रोथ करना है। सेकेंड, इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही से करना है तो वो भी सही है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी से नहीं होता फिस्कल रेट पॉलिसी से, और प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी भी होता है। तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इज योर आंसर कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको दिया है कि करेंसी करेंसी कॉइन्स आर प्रोड्यूस एंड सर्कुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉइन्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस भी करती है और सर्कुलेट भी करती है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। ओके, एंड सेकेंड जो बताया गया कि करेंसी कॉइन्स आर प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सर्कुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई सर्कुलेट करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वन इज पहला सच्चा है, दूसरा गलत है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है आंसर आएगा बी, कि फर्स्ट जो है वो सही है, सेकंड सही नहीं है। करेंसी कॉइन सर्कुलेट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और प्रोड्यूस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। सो आंसर इज बी, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ द मनी सप्लाई इन इंडिया। मनी सप्लाई के बारे में ये कौन सी चीज सही है? फर्स्ट, द शेयर ऑफ द करेंसी सर्कुलेशन इज द हायर इन द मनी सप्लाई, यानी मार्केट में लोगों के पास जो पैसा है वो ज्यादा है, या फिर यानी उसका पोर्शन ज़्यादा है मार्केट के अंदर, या फिर शेयर ऑफ बैंक मनी इज़ अ हायर इन द मनी सप्लाई, बैंक ने जो क्रेडिट दे रखी है वो ज़्यादा है, या सी आर आर एंड क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी आर इन्वर्स रिलेटेड, यानी क्रेडिट मनी और सी आर आर दूसरे से एक दूसरे से इन्वर्ट है। ओके, तो यहाँ पे कौन ऑप्शन दे रखे हैं? सेकेंड एंड थर्ड सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड या तीनों सही है। तो सी आर आर यानी कैश रिजर्व रेशियो जितना ज़्यादा होगा क्रेडिट कम होगी, तो थर्ड वाला तो सही है। ओके, और मार्केट में मनी सप्लाई जो होता है वो हायर, जो मनी सप्लाई हो बैंक क्रेडिट की वजह से, यानी सेकेंड एंड थर्ड जो ऑप्शन है आपके पास वो सही है। सो आंसर इज ए, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैंक रेट पॉलिसी विल बी इफेक्टिव। बैंक रेट पॉलिसी कब इफेक्टिव होता है? तो देर इज एन फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम, कार्डियल रिलेशनशिप बिटवीन बैंक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों चीज सही है कि इसकी वजह से ही बैंक रेट पॉलिसी सही से काम करेगी। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओवर डिपेंडेंस ऑन द बोरोइंग टू मीट द डेफिसिट फाइनेंसिंग मे लीड टू कंट्री टू। यानी अगर ज्यादा कोई भी देश ने ज्यादा बोरोइंग कर लिया, फॉरेन में से मनी उठा लिया, तो क्या होगा? तो ऑफकोर्स डेब्ट ट्रैप हो जाएगा, आप डेब्ट आपका बढ़ जाएगा और ट्रैप हो जाओगे आप, और रेवेन्यू उसके इंटरेस्ट पे करते करते थक जाओगे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हमें दिए गए थे कि रेवेन्यू ट्रैप होगा, डेब्ट ट्रैप होगा, डेफिसिट ट्रैप होगा, या फाइनेंशियल ट्रैप होगा। तो यहाँ पे हमारा डेब्ट ट्रैप होगा, डेब्ट काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ऑटोनोमस इन नेचर एंड इंडिपेंडेंट इन कैरेक्टर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इंड्यूस्ड इन नेचर एंड डिपेंडेंट अपॉन द इनकम एंड रिस्पेक्टिव द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इंजेक्शन इन द इकोनॉमी, यानी वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, सिर्फ वो इंजेक्शन करता रहता है। तो ऑप्शन हमारे पास है कि भी कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो तो ऑटोनॉमस होता है, इंड्यूस नहीं होता है। ओके, सो फर्स्ट वाला सही है और थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ बजट डेफिसिट। कौन से बजट पे जो डेफिसिट होती है, डेफिसिट के जो टाइप्स होते हैं उसमें से कौन सी नहीं है? प्राइमरी डेफिसिट तो है उसका एक टाइप, ओवरहेड डेफिसिट कैसा कुछ नहीं होता। तो ओवरहेड डेफिसिट इज योर आंसर। फिस्कल डेफिसिट भी होता है, रेवेन्यू डेफिसिट भी होता है। सो आंसर इज बी, ओवरहेड डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। भारत में मनी सप्लाई कहाँ कहाँ से आता है? कॉमर्शियल बैंक से, वो भी करते हैं क्रेडिट, क्रेडिट सप्लाई करते हैं मार्केट में, आरबीआई तो करती ही है,
गवर्नमेंट भी मार्केट में कॉइन की तरह चलाती है और टैक्सेशन या सब्सिडीज की वजह से देती है? सर, ऑल ऑफ अबोव। सो आंसर इज बी, ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू कैंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ओके, तो ट्रांजेक्शन डिमांड एंड प्रिकॉशनरी डिमांड्स आर द नोन एज और ऑलरेडी डिटरमाइन। वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि ट्रांजेक्शन देते होते हैं या फिर लोग प्रिकॉशंस के लिए जो डिमांड करते हैं मार्केट में, जो चीज़ें वैसे संभाल के रखते हुए। सेकेंड, द प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी सप्लाई इज वायलेटेड इन नेचर। एंड थर्ड, द इफ द इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज द स्पेकुलेटर्स वुड हैव द मोर आइडल कैश। और फोर्थ भी यहाँ पे दे रखा है, इंटरेस्ट रेट एंड द बॉन्ड प्राइस आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो ये जो चार स्टेटमेंट दे रही है उसके हिसाब से हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। सो हमारा आंसर है डी, जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो सही है, स्टेटमेंट है। सेकेंड, जो प्रिकॉशनरी डिमांड विद द मनी इज एन वायलेटेड वायलेट इन नेचर, वो वायलेट नेचर नहीं होता। ओके, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बर्डन ऑफ पब्लिक बोरिंग समझने के लिए, बर्डन समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट बोरिंग डेटा को देखना पड़ेगा, वी शुड बी नो द वर्ल्ड बैंक और IMF, अंडरस्टैंडिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर क्लासीफाई द बोरिंग इन टू द इंटर एंड एक्सटर्नल सेगमेंट। तो पब्लिक बर्डन जो है, पब्लिक बोरिंग जो उसका बर्डन समझ चेक करने के लिए आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो आंसर इज योर सी, दैट इज अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो सोर्स भी नहीं है लेकिन टैक्स भी नहीं है। ओके, तो डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, कस्टम ड्यूटीज और एक्सटर्नल ग्रांट्स। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर का जो प्रॉफिट होता है वो नॉट द सोर्स, वो सोर्स भी नहीं है इनकम का, और साथ में जो नॉट टैक्स है यानी वो टैक्स रेवेन्यू भी नहीं है। सो आंसर इज बी, प्रॉफिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 50,000 एंड द CRR इज 30%, फाइंड आउट द क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर यहाँ पे 2.60, 2.25, 2 या फिर 2.32। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल डिपॉजिट है और कैश रिजर्व रेशियो आपके पास दे रखा है, तो आपका क्या करना होगा, आपको कैश CRR जो है उसे डिवाइड कर लेना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद जो फिगर आपको मिलेगी वो फिगर को आपको 50,000 से कंपेयर करके परसेंटेज में ले जाना पड़ेगा। कैलकुलेशन यहाँ मैं कर नहीं पाया वरना मैं कैलकुलेशन आपको दिखाता। सो 50,000 डिवाइड बाय 30% आपको मिलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भी कितनी क्रेडिट मार्केट में पहुंचती है, और वो मल्टीप्लायर इफेक्ट चेक करने के लिए वो क्रेडिट मनी से डिवाइड बाय 50,000 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर इज 2.33। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिशर्स इक्वेशंस ऑफ द क्वांटिटी हियर इज क्या होती है? बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, रिलेटेड टू वेल्थ एंड वेल्थ होल्डर्स है, रिलेटेड टू एग्रीगेट सेविंग ऑफ सर्विसेज है, या फिर मैथमेटिकल टूरिज्म है। तो यहाँ पे फिशर्स जो इक्वेशंस होती है वो बेस्ड ऑन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी जो है वो फिशर्स थियरी के ऊपर मेंशन किया गया। तो आंसर इज ए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एडजस्ट द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, अगर मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करनी है RBI को, द प्रिंसिपल यूज वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। कौन से प्रिंसिपल्स RBI यूज करेंगे? इनकम पॉलिसी, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, रेपो रेट पॉलिसी, या फिर फिस्कल पॉलिसी। तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स जो होते हैं जिसे क्वांटिटेटिव वेपन्स नहीं क्वालिटेटिव वेपन्स कहते हैं, क्वालिटेटिव वेपन्स, तो वो होता है हमारे पास सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। तो इसी तरह से आप मार्केट में लिक्विडिटी एडजस्ट कर पाओगे। सो आंसर इज बी, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। द कॉमर्शियल बैंक रश टू परचेज न्यू सिक्योरिटीज ऑफ द ट्रेजरी बिल बिकॉज, किस तरह से नई सिक्योरिटीज मार्केट में डाल सकते हैं, फिर सिक्योरिटी या फिर ट्रेजरी बिल्स खरीदने के लिए रश करती है, कैश कब करती है? एक तो सिक्योरिटी कैन बी एनहेंस कैपिटल एडिक्वेंसी नॉर्म्स, एडिक्वेंसी नॉर्म्स के तहत हो तो, या फिर इन्वेस्ट इन द लो इनकम यील्डिंग सिक्योरिटी, या फिर सिक्योरिटीज आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल, या फिर बैंक विल बी कंपेल्ड विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट।
जो आरबीआई जो रिक्वायरमेंट सीआरआर के लिए रखती है, क्योंकि आपको इतना कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो कैश रिजर्व मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल खरीदना पड़ता है, तो उनकी स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट होती है। तो आंसर इज डी, दैट इज बैंक विल हैव टू कंपेल विद अपॉन द स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट द क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर की फॉर्मूला, ये फर्स्ट ऑप्शन से आपके पास, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट आंसर ही आपका सही है, बाकी जो चार ऑप्शन दे रखे वो गलत है। तो आंसर इज ए, दैट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, 1 माइनस आर अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट फॉल्स विद द रेफरेंस टू द स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ मनी, यानी स्टोर ऑफ वैल्यू नॉट फॉल्स बोला गया है। यहाँ क्वेश्चन आप सही से पढ़ना बच्चों, क्योंकि नॉट फॉल्स का मतलब होता है ट्रू, कौन सा सही है। तो स्टोर ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में, तो यहाँ पे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर नॉट इंटेनियस, सेकेंड है सर्टेनिटी ऑफ लाइफ, एक्यूमुलेटिव ऑफ नेचर ऑफ पीपल और अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। तो एक्यूमुलेशन जो है वो नेचर आपका है हमारा, हम एक्यूमुलेट करते रहते हैं चीज़ों को, ये हमारा बेसिक नेचर आता है, और कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस वो भी है, लाइफ की अनसर्टेनिटी वो भी है। तो सर्टेनिटी ऑफ लाइफ और जो हमारे पास है वो हमारा सही आंसर नहीं है। तो सेकेंड वन इज फॉल्स, सो इसका मतलब होता है 1, 3 एंड 4 इज द ट्रू, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, डिफरेंस इन पेमेंट नहीं होता है, मेजर्ड वैल्यूज होता है, डिफरेंस इन पेमेंट नहीं होता है, डेफर्ड पेमेंट जरूर होता है। तो आंसर यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू आप कोई भी चीज़ की वैल्यू नहीं, यहाँ पे आंसर आएगा डिफरेंस इन पेमेंट, ही डेफर्ड यहाँ पे आंसर आएगा, सी आंसर इज सी, ये उसका फंक्शन नहीं है। कोई भी चीज़ की मनी वैल्यूएशन आप पैसों से मेजर कर सकते हो, तो डी आंसर नहीं आएगा, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, एक्स है वाई कॉलम के अंदर आपको चार पॉइंट दे रखे हैं और आपको बोला गया भी कौन सा मैच कर लो इसको, तो आपके पास चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो आप देख सकते हो कि स्टेनली वैंस, मिल्टन फ्रेडमैन, गुरवे एंड शॉ एंड द रेडक्लिफ कमिटी। तो यहाँ पे हमारे पास है आंसर कि स्टेनली वैंस से शिकागो अप्रोच मेंशन किया था, मिल्टन फ्रेडमैन जो थे उससे कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ मनी डेप्ट जो बाइन किया था, गुरवे एंड शॉ ने सेंट्रल बैंक अप्रोच बताया था, और रेडक्लिफ ने वेटेड सम्स अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई दिया था। सो आंसर इज सी, ओके, फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी, ओके, सो आंसर ये आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक लिमिटेशन ऑफ द कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी का मतलब लिमिटेशन क्या थी, यानी कि पहले जब हमारे पास मनी नहीं था, पैसे नहीं थे, तो हम उसको पैसे की वजह से कॉमोडिटी को मनी की तरह यूज करते थे। तो एक तो हाइड्रोजेनियस था, नॉट डिविजिबिलिटी था, एनफोर्सिबिलिटी था, या डिफिकल्ट टू स्टोर था। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास थे, 1, 3, 4, सेकेंड आपको 1, 3, 1, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4 या 1, 2, 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजेनियस जो था वो कॉमोडिटी एक ही होती थी, यानी कॉमोडिटी हाइड्रोजेनियस नहीं होती थी। सो आंसर हाइड्रोजेनियस वाला नहीं है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो आपके पास था वो उसकी लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस स्टेबिलिटी एंड द कॉन्ट्राडिक्टरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी अगर मनी पॉलिसी की बात करें तो प्राइस स्टेबिलिटी किससे कॉन्ट्राडिक्ट होता था, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी, इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा आंसर है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। जैसे ही हम प्राइस स्टेबिलिटी करने की बात कर रहे थे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी नहीं हो पाती थी, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी रिफर्स टू, यानी पैसों जो मार्केट में घूमते रहते हैं वो किसके हिसाब से होता है, वो मनी सब बिटवीन द बैंक और पीपल, या फिर टाइम्स ऑफ यूनिट ऑफ द करेंसी चेंज द हैंड्स, नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर रेट ऑफ चेंजिंग करेंसी अगेन डिपॉजिट, या फिर सर्कुलेशन मनी अमंग द पीपल। तो मन सर्कुलेशन वेलोसिटी होती है, वो पैसे जो लोगों के पास घूमते रहते हैं उसे वेलोसिटी कहते हैं। तो आंसर इज डी, सर्कुलेशन ऑफ मनी अमंग द पीपल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज बाय द आरबीआई टू बी कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी टुवर्ड्स द डिजायरेबल चैनल। ये कौन सी डिजायरेबल चैनल है जिसे आरबीआई कंट्रोल कर सकती है अपना फ्लो? तो वेरिएबल रिजर्व रेशियो, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन या फिर बैंक रेट पॉलिसी। तो यहाँ पे हमारे पास है मार्जिन रिक्वायरमेंट। बैंक क्या करती थी, अपने मार्जिन को सेट कर लेती थी तो वो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम कर सकती थी, इट्स अ डिजायरेबल चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, बैंक रेट पॉलिसी विल फेल, अगर यहाँ पे पॉली फेल होगा इफ देयर आर, यानी बैंक रेट पॉलिसी कब फेल हो जाएगी? एक फाइनेंशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से, इलास्टिक इंटरेस्ट रेट की वजह से, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ बोरोइंग या फिर कंडक्टिव इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो अगर बैंक रेट पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है तो इसका मतलब जब बैंक रेट बढ़ेगा तो क्रेडिट कम हो जानी चाहिए, लेकिन मार्केट में से बोरोइंग इजीली अवेलेबल होगा तो बैंक रेट पॉलिसी फेल हो जाएगी। सो आंसर इज सी, दैट इज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ बोरोइंग अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू चक्रवर्ती कमिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी पॉलिसी। मनी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चक्रवर्ती कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट बना के दिया था उसमें, उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ वो सबसे प्रायोरिटी में था, क्योंकि कुछ भी हो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटेड इंडेक्स नंबर सुपीरियर टू द सिंपल सिंपल इंडेक्स नंबर बिकॉज, इसका रीजन क्या है? तो वेटेड जो एसाइन होता है वो इंपॉर्टेंट ऑफ द कॉमोडिटी के हिसाब से होता है, या चॉइस इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमोडिटी के हिसाब से होता है, आर्बिट्री टू द एक्सचेंज ऑफ मैडनेस, यानी किसी भी तरह से आप दे सकते हो, या फिर जनरली यूनिफॉर्म इन द मैडनेस। तो ये इंपॉर्टेंस जो होता है वो इंपॉर्टेंस हमारी कॉमोडिटी के हिसाब से या उसके हिसाब से दिया जाता है। तो हमारी जो कॉमोडिटी जो जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, उसको ज़्यादा दिया जाता है, लग्जरी उसको कम वेटेज दिया जाता था। तो वेटेड इज असाइन फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्टेटमेंट टू, इंक्रीज द रेपो रेट लीड्स टू बी इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन रेपो रेट लीड्स टू बी डिक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन रेपो रेट लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, एंड इंक्रीज इन रेपो रेट रिप्रेजेंट्स टाइट मनी पॉलिसी। सो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट कम होगा तो टाइट मनी पॉलिसी होगा, थर्ड फोर्थ तो सही है, लेकिन रेपो रेट अगर बढ़ जाता है तो मनी सप्लाई जो मार्केट में है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है या फिर इंक्रीज हो जाता है? डिक्रीज नॉर्मली हो जाता है, इंक्रीज तो कभी नहीं होता। तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो है वो गलत है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सॉरी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो आपको दे रखा है वो सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर क्रेडिट होता है? तो प्राइमरी डिपॉजिट डिपॉजिट के ऊपर और सीआरआर के ऊपर होता है। ऑफकोर्स प्राइमरी डिपॉजिट, जितना डिपॉजिट ज़्यादा आएगा बैंक ज़्यादा कर पाएगा, लेकिन जितना सी आर आर ज़्यादा होगा बैंक कम कर पाएगा। सो अदर डिपॉजिट इज द आर बी आई, अदर डिपॉजिट आर बी आई एंड बैंक रेट, या प्राइमरी डिपॉजिट एंड बैंक रेट। सो आंसर इज डी, जैसे प्राइमरी डिपॉजिट और सी आर आर, इसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से बैंक क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, टू प्रोड्यूस द न्यू करेंसी, नई करेंसी बनाने के लिए आर बी आई अडॉप्ट द रिजर्व सिस्टम इन द ईयर, किन से कौन से साल में किया गया था हमारे पास रिजर्व सिस्टम? तो 1957 के अंदर प्रपोजेशन के प्रपोजनेट के हिसाब से किया गया था। तो ये रिजर्व जो प्रपोजनेट था, जो फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड का प्रपोजनेट बनाया गया था, तो आंसर इज सी, प्रपोजनेट 1957। इफ वी डिडक्ट द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम द फिजिकल डेफिसिट, यानी इंटरेस्ट अगर फिजिकल डेफिसिट के अंदर से माइनस कर ले तो क्या मिलेगा? तो इंटरेस्ट कंपोनेंट अगर बात कर लेंगे तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट बचती थी। तो चार ऑप्शंस के हिसाब से हमारे पास आंसर आएगा प्राइमरी डेफिसिट, तो आंसर इज बी। तो ये थे हमारे 2020 के थोड़े बहुत एमसीक्यू जो हमने सॉल्व करने के लिए सॉल्व किए हैं। ऑफ कोर्स आपको एग्जाम में ज़्यादा हेल्प रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।